चलो चलो एक मिनट मेरा लाइव चलने गया चौना सारा बैठो थोड़ी देर कुर्सी कर हेडिंग लाता से दोस्तों आज इस वक्त असी मैं अपने जरा जद्दी पिंड है साडा रामगढ़ जिला कपूरथला हल्का पलथ उत्थे असी तैनात है फोकल पॉइंट साडा जरा मंडी का है परचेज सेंटर उत्थे असी अपना अज लाया वा स्वागत करने लोगों का लोगों ने मेरा स्वागत किया पहला पिछले डेढ़ दो महीने तो जदों का भी मैं जेल तो बहर आया उस तो बाद हुण मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों का अपने हल्के का अपने सूबे का शुक्रिया अदा करा स्वागत करा सो तुसी थोड़ा दृश्य देख सकते हो कि लोग आ रहे हैं ढोल लेके आ रहे ने बधाइया देन आ रहे ने हार लेके आ रहे ने बहुत दूर तक तुसी देख रहे हो कि मैं सवेर दा लोगों के नाल जिहड़ा है असी जुड़े हुए हैं और बहुत खुशी है मैनू कि वाहिगुरू की कृपा दे नाल किन्नियां औकड़ां आईयां जिंदगी च किन्नियां उस सारियां औकड़ां दे बावजूद उस परमात्मा वाहिगुरू की कृपा आशीर्वाद दे नाल मैनू जिहड़ी ये फतेह प्राप्त हुई है इस मोर्चे विचों और ये जिहड़ी फतेह आ ये कोई रूटीन फतेह नहीं गी एक तो होंदी ना कि नॉर्मल इलैक्शन लड़ी तीन चार उम्मीदवार लड़े एक की जित होगी बाकी जिहड़े सी घरां नूं चले गए ये पिछले 25 साल की जद्दोजहद है 25 साल तो लगातार मैं पहली इलैक्शन 1997 लड़ी सी 25 साल तो लगातार जद्दोजहद करते करते कुछ गल्ला अक्सर जिंदगी मैं भी इंसान है तुहाडे सारयां दी तरह गलतियां हो जांदियां ने जिंदगी पर गलतियां नूं सुधारदे होए अगे वधदे 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 अज इस मुकाम ते पहुंचिया कि मैनू तीसरी बार पंजाब दे ते हलका भलत दे लोकां ने जिहड़ा सीगा ओह अज मौका दिता वा तीसरी बार तुसीं देख सकदे हो ढोल वजा रहे ने लोग आ रहे ने ढोल टमका जो कहिंदे ने ओह चल रहा वा इस वेले सारा कुछ चली जाण दे नाल आपां लगातार नाल नाल ही तो मैनू तीसरी बार लोगों ने नवाज के पंजाब की विधानसभा च पहुँचाया हुण मेरा फर्ज है अगे कि मैं अपने सूबे दे अपने लोगों के अपने जिहड़े पक्ष के मसले ने क्योंकि पंजाब इस वक्त बहुत वड्डियां चुनौतियां नूं दरपेश आ कल्ली स्टेट दरपेश नहीं कि कौम भी दरपेश आ कौम जिंदा ना चौराहे के उत्ते खड़ी हुई है चौंक के खड़ी हुई है उन्होंने पता नहीं लगता कि किहड़े राह ते असीं जाणा उन्होंने ठीक राह के उत्ते लेके जाना और सच ते इंसाफ के मार्ग ते चलना यह मेरा अपना फर्ज होगा एक गल मैं अपने जिहड़े इस वक्त पार्टी जीती आम आदमी पार्टी मैं उन्होंने नाल बहुत अरसा काम किया हालांकि मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा वा जिंदगी का हो सकता कईयां दे चंगे एक्सपीरियंस होणगे हो सकता कईयां दे आने वाले समय के होर भी अच्छे हो सकते लेकिन मेरे नाल बैड एक्सपीरियंस सीगा लेकिन इहदे बावजूद मैं आम आदमी पार्टी नूं ते भगवंत मान नूं मुबारकबाद दिंदा हां और मैं उम्मीद करदा वां कि जिहड़े उन्होंने हुण वादे कीते लोकां दे नाल जिहड़े उह समझदे कि 70 सालां च नहीं पार्टियां कर सकियां उन्हां दे मुताबिक कि पंजाब दे विच कुछ भी नहीं होया चलो मन लिया कि कुछ भी नहीं होया हुण आपां देखणा वां कि आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान ये आने वाले समय के पंजाब दे नाल कीतियां होईयां कमिटमेंट्स नूं किस तरह ऑनर करते हैं कमिटमेंट यह नहीं होंगी कि असी 1000 रुपया देना जी या असी कोई इन्ने यूनिट फ्री देनी दैट इज़ नॉट अ कमिटमेंट वह तो छोटिया एक चुनावी वायदे ने वो तो उन्होंने साइड रख दो जिहड़े पंजाब दे असल इशूज़ ने जिदा मिसाल के तौर के उत्ते साडे पानियां दा मसला पंजाब दा साडा पानी अगर ना खुसिया हुंदा राजस्थान हरियाणे ते दिल्ली नूं ते शायद पंजाब दी तस्वीर होर हुंदी पंजाब दा 1 लाख करोड़ दा करजई किसान आ आत्महत्या कर रहा घर घर दे विच ना मातम छाया होया वा साडे बच्चे विदेशां नूं भज रहे ने बहुत वड्डी तादाद वोटां वधियां लेकिन पोल तादाद परसेंटेज घटी पंजाब च क्योंकि जहाज़ां दे जहाज़ भर के बच्चे विदेशां जा रहे ने और इस दे नाल नाल साडी भाषा साडा जिहड़ा कंट्रोल ताज़ा हुणे पाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का खोया केंद्र ने उत्थे किदां लड़ना वा साडा चंडीगढ़ दे विच 60 ते 40 दा रेशो जिहड़ा उस नूं अपसैट किया बीजेपी ने उस नाल किदां लड़ना वा ये सारे इशूज़ जिहड़े ने आने वाले एक बहुत वड्डा इम्तिहान है पंजाब की नवी बनने वाली सरकार की उम्मीद तो यही करते कि वह पैरा देंगे और असी साथ देंगे मैं जस्ट बिकॉज मैं ओपोजिशन च आई विल नॉट इंडल्ज इन अनफेयर क्रिटिसिजम आई विल ओनली डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम और असी सरकार नूं जगा के रखांगे कि आ तुसी तुहाडे फर्ज आ तुहाडा पैरामीटर सीगे आ तुसी वादे कीते ने इहदे तों तुसी बरकरार रहना सो ये एक रोल ओपोजिशन का हुंदा वा चौकीदार वाला वो आपां पूरा अदा करना दूसरी गल मैं अपने कांग्रेस के साथियों कहना चाहुंदा कि देखो ठीक है मैं तीन चार साल आम आदमी पार्टी गया नो डाउट पर उस तो पहला मैं कांग्रेस लिए बहुत अरसे तो जदोजहद की 97 तो लैके हुण 25 साल मेरी जिंदगी के पूरे हो गए
22-23 साल मैं कांग्रेस ली बहुत जद्दोजहद विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा जो वे वे लीडर घर छुप जाते मैं विधानसभा दे विच जो पहली बार इलेक्ट होया सामने खड़ के बादलों के इदा सामने उन्होंने शीशा दिखाता से कि तुम करप्ट हो तुम सिखा दे नाल ते किसानां दे नाल तुसीं जिहड़ा है वह धरोह कमा रहे हो तुसीं बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो तुसीं माइनोरिटीज़ दे नाल धरोह कमा रहे हो तुसीं अपनी आइडियोलॉजी नूं छिक्के ते टंगता सारियां गल्लां जदों होईयां 6 मुकदमे मेरे ते दर्ज किए 2007 तो लैके 12 तक चलो वह तो मुकदमे एक पासे रह गए हाईकोर्ट ने वह सारे कोश कर दिते मतलब कहन दा कि मैं उदों दा लड़ रहा जदों बाकी सारे लीडर्स कई बार कॉम्प्रोमाइज़ मूड विच सीगे बादलों के नाल डरदे सीगे कि साडे ते परचा ना हो जाए साड़ियां गड्डियां मोटरां ना खुस जाण साडी सिक्योरिटी ना खुस जाए साडियां कोठियां ना खुस जाण आई हैव स्टूड माई ग्राउंड और उहदे लई मैनूं कीमत अदा करनी पई आ पहलां भी करनी पई ते हुण फिर करनी पई आ जो तुसीं देखा मैनूं जेल होई 78 दिन लेकिन उह की कहिंदे हुंदे कि अल्टीमेट सच जित जिहड़ी उह सच दी होवेगी उही गल होई आ मेरे घट्टो घट हल्का पलथ विच कि जिहड़ी जित आ उह इनसाफ ते सच दी जित होई आ सो एक तां मैं अपने वोटर्स दा बहुत शुक्रिया अदा करदा मेरे को शब्द ही नहीं गए सारिया पार्टियां दे वोटर्स मेरे अकाली भी मेरे भरा ने आम आदमी जिहड़े इलाके च होणगे वह भी मेरे नाल ही काम करते रहे मेरे छोटे वीर ने सारे भरा ने और मेरी पार्टी अपने दे जिहड़ा केडर आ उह तां चलो है ही है सारिआं दा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा और एक मैं आम आदमी नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं इही गल बहुत देर दी रट लाई सीगी भी खैरा कल्ले झाड़ू करके एम एल ए बनया पहला तो तुहानूं तुसीं भुल गए कि मैं 2007 च वी बनया सीगा उस तो पहला 3 वार मेरे पिता जी ने इसे हल्का भलत नूं रिप्रजेंट किया असीं 50 साल दे इस पोलीटिकल लाइन दे विच ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ और मैंने जताया इलाके के हल्का भलत के लोगों ने यह गांह सारे वास्ते एक मैसेज है कि इदा हंकार नहीं करना ठीक है तुम अपना काम करो गवर्नमेंट बनाई या जीत सद के अपने तगड़े होकर काम करो एक मैसेज कांग्रेस के केडर्स मैं देना चाहता घबराना नहीं गा बिल्कुल भी देखो मैं तो सामने जीत की जाग की मिसाल हाँ मैं पहली बार इलेक्शन लड़िया 97 मेरी उम्र शायद 32-33 साल सी मैं 28,000 वोट पर हारिया 28,000 से मतलब हूँ तो चलो बहुत व्डे व्डे मार्जिन तो लोग हारे ने पर उदो 28,000 अज तो 25 साल पहला वॉज क्वाइट ए बिग मार्जिन आई गॉट शैटर्ड फॉर अ वाइल यू नो जिदा मतलब डिमोरलाइज फॉर अ वाइल पर मेरे पिता जी अज है नहीं साढ़े च उन्होंने कहा कि सुखपाल बिल्कुल घबराना नहीं गा उठ तगड़ा हो लड़ और क्योंकि असी कभी भी जिंदगी असी बादलों नाल सेपरेट हुए सी मेरे पिता जी अकाली सके तो बहुत सारे लोग सानू आए सुनिया देने लई सुलह कराने लई बादलों ने भी सुनिया भेजा कि तुहाडे बेटे नूं असी बना दिंदे आ एमएलए सरदार साहब तुसीं पिछे हट जाओ असी फैसला कीता सी कि जे लवांगे कुछ ते अपनी ताकत नाल लड़के लवांगे मिंत कढ़ के कुछ नहीं लैना जिंदगी मिंत नाल जिंदगी कदी नहीं चलती मेरे वीरों सत्कारयोग भरावो ते भैणो अपना अधिकार लैण वास्ते लड़ना ते भिड़ना पैंदा सो मैं कांग्रेस दे केडर नूं कहना चाहुंदा कि बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना आपां तकड़े होकर लड़नी आ लड़ाई आपां सरकार नूं हले 6-8 महीने देना समा साल हनीमून पीरियड कहिंदे कि तकड़े होकर काम करो काम करनगे मुबारकबाद देंगे अच्छा काम कर पिट थापड़ांगे जिथे काम गलत करनगे जिथे कोई रेता बजरी दे आण के फस के फसा लेने छड़ने नहीं गए और तुसी तगड़े होकर देना असी एक पंजाब दे इशू ते पहरा देना एक एक ते वेदर इट इज़ इलीगल माइनिंग वेदर इट इज़ ड्रग्स वेदर इट इज़ करप्शन वेदर इट इज़ गुरु ग्रंथ साहब दी हुई बेअदबियां या कोई भी जिहड़ी बेइंसाफी पंजाब दे नाल हुई है पिछले कुछ दहाकियां च उहदे ते आपां सब ने डट के पहरा देना मैं तुहाडे नाल खड़ा इदां मजबूती दे नाल और किसे वर्कर नूं सारे पंजाब च आवाज़ दे रहा वा किसी नाल कोई बदलाखोरी की कार्रवाई होवे तुहानूं लग्गिया कि तुहाडे नाल कोई धक्का कर रहा वा मैं बैठा इत्थे बल्कि मैं सब नाल बैठा वा नॉट ओनली कांग्रेस केडर्स वर्कर्स सारे पंजाबियों नूं मेरी अपील है कि डरना नहीं गा घबराना नहीं गा अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट नहीं गवाउणी पहला सैल्फ रिस्पैक्ट आ पहला पग आ सिर दी बाकी गल्लां सारियां बाद च कि पैसा कित्थे आ अहुदा किहड़ा वा सो आपां सब ने तगड़े होकर इकट्ठे होकर एक मुठ होकर यह लड़ाई कहां भी तोरनी आ कांग्रेस नूं रिवाइव करना असीं कांग्रेस इज नॉट ए स्मॉल लिटल पार्टी इट्स अ नैशनल पार्टी इज लाइक अ ओशन बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे चले जाते हैं वी विल डेफिनेटली रिवाइव द कांग्रेस पार्टी इन पंजाब एंड नैक्सट गवर्नमेंट विल डेफिनेटली बी फॉर्म बाय द कांग्रेस पार्टी यही मेरी कामना ते अरदास सुखबीर हुणां नूं सुनिया साडी भैण है हरसिमरत कौर कोई इहो जी गल नहीं गी विक्रम भी सारा उन्हां दी फैमिली भी सारे
कि देखो तुसी ना समझ नहीं सके कि अकाली दल की चीज़ सी। अकाली दल सोना सी, सोना तुसी इस नूं सवाह कर दिता, बिल्कुल सोने की पार्टी सी। मेरे पिता जी ने काम किया, जेलां कट्टियां, मोर्चे लगे। जो तुसी अपनी आइडियोलॉजी छड्डती ना, जो विचारधारा तो तुसी भटक गए, तुहानूं ऐ लगन लग गया 2012 की इलेक्शन जीत के सुखबीर नूं कि इट इज ऑल मैनिपुलेशन। यू नो इलेक्शन इज जस्ट नथिंग बट मैनिपुलेशन, कि इन्नी शराब पिलाओ, इन्ने पैसे खर्चो, इन्ने विरोधियों दो, इन्ने आजाद खड़े कर दो, तो इलेक्शन दी जाऊगी। तुहानूं गलत फहमी होगी। अगर तुसी अकाली दल की सही आइडियोलॉजी, मतलब कि घट गिणतियां ते पहरा देंदे, तुसी जम्मू कश्मीर के टोटे ते खुश होकर वोटां ना पाउंदे, तुसी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल बनाया बीजेपी ने एंटी माइनोरिटी, तुसी उहदे च वोटां ना पाउंदे, तुसी जदों ऑर्डीनेंसिस पास हो रहे सी तुसी क्विकली डिसाइड करदे ऑर्डीनेंस नूं पहले उत्थों रिजेक्ट करदे। ते जिहड़ा पंजाब च गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेअदबियां होईआं, देखो अकाली दल की सरकार होवे ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी हो जाए ते तुसी दंद कढ़दे रह जाओ, उत्थे हसदे रह जाओ, किसी पुलिस वाले नूं ना फड़ो, किसी डेरे प्रेमी नूं ना फड़ो, ये तुहानूं उहदी सज़ा मिली है। और जिहड़ी तुसी अरदास कीती सी दरबार साहिब, की कहा सी, जाके उत्थे याद करो कि जिन्हां ने बेअदबियां कराईआं उहनां दा कख ना रहे। मैं हुण डर के कह रहा वाहेगुरू की अरदास, उस तो उपरों डर के कि वाहेगुरू ने उही गल तुहाडी अरदास पूरी की, मेरे तो डांक वाओ तुहाडा, मतलब कि चंगा नहीं लगता। बादल साहब न लास्ट एज में तुहानूं इलेक्शन ही नहीं सी लड़ाउणी चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं लड़नी चाहिए सी। देर इज सम लिमिट, यू नो देर इज सम लॉ ऑफ नेचर, देर इज सम रिस्पैक्ट टू एज, तुहानूं नहीं सी लड़नी चाहिए। पर चलो तुसीं लड़ ली आ, तुसीं उहनां दी तोहीन कराई जांदे वारियां दी, इह होणी नहीं सी चाहिए। और तुहाडे सारे परिवार नूं दोगां ने तुहानूं बहुत एक मैसेज दिता वा कि वैन यू मिसबिहेव विद पीपल, वैन यू थिंक दैट इट इज ऑल अ जोक एंड ओनली मनी पावर इज एवरीथिंग इन पंजाब, इट डजंट रियली वर्क लाइक दिस, ये तुहानूं सारा सुनिया दिता। तो अंत में मैं अपने इलाके के लोगों का, समूह पंजाब के लोगों का NRIs का मैं देन नहीं दे सकता, भी जिनी उन्होंने मेरी मदद की आ, सारा का मैं NRIs का धन्यवाद करदा। और मैं एक बार फिर यही कामना करदा कि जिहड़ी सरकार बने वो लोगों के हित के काम करे और अच्छे काम करे, असीं उन्होंने सपोर्ट करांगे। तो मैं अपने इलाके के लोगों को भी कहना चाहुंदा कि मेरे को शब्द नहीं कि मैं तुहाडा जिहड़े नाल धन्यवाद कर सकां। तो कांग्रेस नूं दोबारा मैं कहना चाहुंदा कि बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं नाल खड़ा तुहाडे, मैं कि असीं सारे नाल खड़े, बड़े 18 MLA थोड़े नहीं होंदे, 18 बहुत होंदे ने, तो असीं 18 180 आ गए हैं, असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, जिथे कहोगे असीं पहुँचांगे, तुहाडी असीं हर वक्त हर मुमकिन मदद करांगे। अज वास्ते इन्ना ही लाइव सीगा, मैं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा होया अज इन्ने सज्जन इत्थे आए ने वधाई देण वास्ते, इन्हां दा वी बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार नाल फतेह बुला दिओ, वाहेगुरु जी का खालसा। हां जी, एनर्जी लग गई।